हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हैं। उन्हें हम किस तरह से बना सकते हैं, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सारे फ्लावर्स के डिफरेंट डिज़ाइन देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरे पास ये कॉटन का कपड़ा है और इसे हम पहले जो कॉटन होता है उसे हल्का हल्का सा पानी लगाकर गीला कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास ये नियॉन कलर है, ऑरेंज नियॉन कलर। इसकी शेड मैंने दी है। इसे एक बार अच्छे से पूरा ऑरेंज कलर से फिल कर लेंगे इस पत्ती को। ये हमारा ऑरेंज कलर लगभग फिल हो चुका है। अब नेक्स्ट है मैरून कलर। अब मैरून कलर से इसे धीरे धीरे शेड देंगे। मैरून कलर की इस शेड को देने के बाद ये फूल बहुत भरा भरा लगेगा। जब भी हम कभी किसी लाइट कलर में डार्क कलर की शेड देते हैं तो वो उभरा हुआ नज़र आता है, जैसे फूल बहुत सुंदर नज़र आता है। अब इन दोनों कलर की मिक्सिंग होगी। कलर की मिक्सिंग के टाइम हमें ये ध्यान देना होता है कि ये कलर सूखे ना। अगर दोनों में से कोई भी एक कलर सूख जाता है तो फिर उसके कलर की मिक्सिंग नहीं होती और उसकी शेड अच्छी नहीं आती है। ये मेरे पास फ्लैट ब्रश 4 नंबर है और राउंड ब्रश 000 नंबर है। और लाइनिंग के लिए और जहाँ पर हमें थोड़ा सा कलर लगाना हो उसके लिए 000 नंबर राउंड ब्रश है। बीच में से इसको थोड़ा और गहराई दिखाने के लिए यहाँ पर भी मैरून कलर मैंने फिल किया है। दो पत्तियाँ इसकी मैंने पहले ही बना ली थी और एक पत्ती ये मैंने बना के दिखाई है। शेड की मिक्सिंग आप तब तक करें जब तक फूल बहुत पत्ती बहुत अच्छे से सुंदर दिखने न लगे। मुझे यहाँ से और थोड़ा सा शाइनिंग चाहिए थी कलर की,
तो मैंने और इस कलर यहाँ पर यूज़ किया है, वही ऑरेंज कलर। जैसे जैसे आप धीरे धीरे कई बार इस तरह के फूल और पत्ती बना लेंगे तो उस पर हाथ टिक जाता है फिर उस पर। हमारा ये फूल बनकर तैयार है। अब इसकी मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ये नेक्स्ट फ्लावर है, इसे यहाँ भी मैंने इसे पहले पानी से ब्रश से इसको गीला कर लिया है कपड़े को। यहाँ मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, आप लोग नहीं करिएगा क्योंकि पहले ये नीचे का जो कपड़ा होता है उसका सूखना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये जो कलर है ये नियॉन पिंक कलर है, इसे पत्ती के बीच में पत्ती सी लाइन की तरह लगाएंगे और बीच में मिक्स कर दिया है मैंने। वाइट की आउटलाइनिंग है और पत्ती को थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाने के लिए भी इसे यूज़ किया है। इसके नीचे वाइट के नीचे मैंने वही पिंक कलर की थोड़ी थोड़ी आउटलाइनिंग से की है जिससे कि ये वाइट के साथ इसकी गहराई दिखाई दे। ये नेक्स्ट पत्ती है। हर किसी कपड़े को हम गीला नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कपड़े पे कलर किस तरह से फैलता है या नहीं फैलता है। ये फ्लावर तैयार हो गया। अब इसके बीच में मैंने ये येलो कलर लगाया है और पिंक हल्का सा टिंट और उसके ऊपर ब्राउन कलर का डॉट लगाए हैं। ये नेक्स्ट फ्लावर की एक पत्ती तो मैंने तैयार कर ली है और नेक्स्ट मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ऑरेंज कलर है नीचे जो पत्ती में फिल किया हुआ है, फिर उसके साथ ये वाइट कलर का शेड दिया था। ये येलो कलर है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम पत्ती को अलग अलग कलर्स की भी बना सकते हैं, अलग अलग शेड देने के लिए उसको हम कलर की मिक्सिंग कर सकते हैं, फिर वो और भी अच्छा अपना फ्लावर बनकर तैयार होता है। अगर हम एक ही कलर यूज़ करते हैं तो फिर उसका इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है फूल। ये मेरे पास येलो कलर है, मैंने येलो कलर हल्का हल्का कहीं कहीं लगाया है और कहीं कहीं छोड़ दिया है। ये ऑरेंज कलर है, अब इसको येलो और ऑरेंज को मिक्स कर दिया अच्छे से। अब वाइट कलर है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि कलर कोई भी सूखना नहीं चाहिए। जब आप मिक्सिंग करने जा रहे हैं, दो शीट्स को मिलाने जा रहे हैं, तो कलर सूखना नहीं चाहिए। इस फ्लावर में तीन कलर यूज़ हुए हैं, येलो, ऑरेंज और वाइट। अपनी इमेजिन से भी फ्लावर को शेप दे सकते हैं, जिस तरह का भी फ्लावर आप बनाना चाहते हैं उस तरह का भी आप बनाइए, कोई मुश्किल नहीं है।
मैंने तीनों कलर्स लिए हैं और तीनों कलर्स को बहुत अच्छे से फ्लावर्स की हर पत्ती में मिक्स कर दिया है और ये फ्लावर बस बनकर रेडी है। नेक्स्ट ये पत्ती का डिज़ाइन है। ग्रीन कलर और चार नंबर फ्लैट ब्रश है। बीच बीच में मैंने किसी किसी जगह को छोड़ दिया है क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो बहुत डार्क है। अगर मैं इसके अंदर येलो की शेड मुझे देनी है और अगर मैं जगह नहीं छोड़ूंगी उसकी तो ये मिक्स होके बहुत गहरा हो जाएगा, जो मुझे येलो लाइट कलर चाहिए तो उसके लिए मैंने ये जगह छोड़ी है। ये येलो कलर फिल कर दिया और अब इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर दूंगी मैं। ये मैरून कलर है, छोटे छोटे डॉट लगा के मैंने उसको भी ताकि थोड़ी सी रेडनेस भी पत्ती में दिखाई दे। ये वाइट कलर से इसकी लाइनिंग की है। ये जो मेरे पास कपड़ा है ना, ये प्योर कॉटन है जिसमें पानी लगाने से कलर बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। अगर कॉटन में कुछ ज़रा सा भी सिंथेटिक अगर मिक्स हो या कपड़ा इस तरह का तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कलर भी बहुत ज़्यादा पुराने या इस तरह के नहीं होने चाहिए, फिर सफाई नहीं आती है उसमें। कलर थोड़ा सा पतला ही होना चाहिए जिसे ब्रश अच्छे से चला सके, और ब्रश को एक आप अपने को क्लॉथ रखना चाहिए पास में जिसे हम कलर करते करते उसको पोंछ सकें बार बार, या तो पानी में डिप करके भी हम उसको साफ़ कर सकते हैं या फिर क्लॉथ से भी अगर हम उसको, अगर सेम कलर भी चला रहे हैं ना तो भी क्लॉथ से उसको साफ़ करना पड़ता है। ये पत्ती बनकर लगभग रेडी है, बस ये लास्ट ही इसका बचा हुआ है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और ये इस तरह का प्यारा सा डिज़ाइन बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।